ऊना में सरस मेले का शुभारंभ हो गया है। ये मेला 10 दिनों तक चलेगा। इस मेले में देश भर के 20 राज्यों के स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार से जुड़े उद्यमी ने अपने हाथ से बने उत्पाद प्रदर्शित किए। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने स्वयं सहायता समूह द्वारा हाथ से तैयार उत्पाद को बड़े स्तर पर प्रमोट किए जाने की बात कही, ताकि उनके उत्पादों को उचित दाम मिल सके। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर द्वारा ऊना में धूमधाम के साथ सरस मेले का शुभारंभ किया गया। ये मेला 10 दिनों तक चलेगा। देश भर से 20 राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार से जुड़े उद्यमी हाथ से बने अपने उत्पाद बेच रहे हैं, जो कि काफी आकर्षण का केंद्र है। मेला स्थल पर लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। शुभारंभ से पहले कंवर ने मेले में लगी हुई प्रदर्शनियों को भी देखा और उनके उत्पाद को भी सराहा। वहीं कंवर की माने तो मेले का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए मंच प्रदान करना है। प्रदेश भर में 45,000 समूह को उचित मंच देना और उनके उत्पाद को उचित मूल्य मिले और रोजगार के नए साधन बढ़े, साथ ही अब सरकार बड़े स्तर पर इसको प्रमोट कर आम जनता तक पहुंचाना है। वहीं आज इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनोरंजन भी किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर प्रसिद्ध हिमाचली गायक धीरज शर्मा अपनी गायकी का जलवा बिखेरा। वहीं जगत प्रकाश नड्डा का बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष बनने पर कंवर ने कहा कि छोटे से हिमाचल के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। आज राजनीतिक दृष्टि से हिमाचल को इसका काफी लाभ मिलेगा। सरस मेला 2020 आज जिसकी आज से शुरुआत की है, 31 तारीख तक जनवरी तक जो है वो ये मेला चलेगा। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रदेश के अंदर ऐसे 45,000 स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों के द्वारा जो है वो बनाए गए हैं, और वहाँ पर जो स्थानीय शिल्प और जो दस्तकार हैं उन्होंने जो वस्तुएं वहाँ पर तैयार की गई हैं उनको जो है वो एक प्रॉपर मंच जो है वो सरकार जो है वो आज इस मेले के माध्यम से जो है वो उपलब्ध करवा रही है, ताकि वो माल बिके जाए लोगों के बीच में और उसका लाभ जहाँ लोगों को भी मिले, वहाँ जो स्वयं सहायता समूह हैं उनकी भी जो है वो आय जो है वो बढ़े। इस करके जो प्रदेश के अंदर सरकार जो है वो इस तरह का जो है वो एक प्रयास कर रही है, ताकि गांव के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रोजगार के साधन जो है वो वहाँ पर उपलब्ध कराए, और इसको जो है वो हम आगे बढ़े हैं। हमने जिला स्तर के इसके जो है वो ब्रांडिंग भी की है, और ब्रांडिंग के साथ साथ जो इसकी जो क्वालिटी है सरकार जो है वो उसमें भी जो है वो ध्यान दे रही है, और इससे अगला कदम हमारा ये है कि हम इसको बड़े स्तर के ऊपर जो है वो ब्रांड करके जो है वो अलग अलग आइटम जो हैं जिसकी मार्केट में आवश्यकता है वो हम जनता तक जो है वो पहुंचाएं, बड़ी मार्केट में जो है उसको रखें, ताकि उसका लाभ जो है वो गांव के अंदर लोगों को जो है वो मिले। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे सोलन की और, जहां पर काले कारोबार में जुड़े लोगों को रोज सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद भी पूरी तरह से नहीं लग पा रहा है अंकुश।